नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं टॉपिक प्रीपोजिशंस। अब ये प्रीपोजिशंस होते क्या हैं? कुछ शब्द हमें एक इंसान के साथ या सामान के साथ दूसरे इंसान का या वस्तु का रिलेशन बताते हैं, रिश्ता बताते हैं। जैसे You are sitting on the chair, यानी कि आप चेयर पे बैठे हुए हैं। तो on शब्द जो है चेयर के ऊपर, तो on शब्द क्या है? प्रेपोजिशन। बॉल इज लाइंग अंडर द टेबल, बॉल कहां रखी हुई है? टेबल के नीचे। तो ये नीचे जो शब्द है, इस टाइप के शब्द को हम लोग प्रेपोजिशंस बोलते हैं। और क्या क्या वर्ड होते हैं प्रेपोजिशन? जैसे अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, ये सभी शब्द होते हैं प्रेपोजिशंस। आगे चलते हैं, यूज ऑफ ए, एन और द। जो ए होता है हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ कार, दिस इज अ हाउस, दैट इज अ मोबाइल। तो हमेशा अ जो होता है, ए जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उन नेमिंग वर्ड के साथ यूज होता है जो कि शब्द स्टार्ट होते हैं कंसोनेंट साउंड से। यहां बहुत ध्यान रखिएगा, कंसोनेंट साउंड बोला है मैंने, कंसोनेंट्स नहीं कहा। दूसरा शब्द आता है एन। एन इस्तेमाल होता है जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन कब? तब जब नेमिंग वर्ड स्टार्ट होता है वॉवल साउंड से, जैसे एन ईयर, एन ऑनेस्ट मैन। अब इस बात पे खास ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्ट की स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है, एच ओ एन ई एस टी, लेकिन एच साइलेंट होता है, तो क्या शब्द बनता है? ऑनेस्ट। तो साउंड कहां से स्टार्ट हुई? वो हुई वॉवल साउंड जैसी स्टार्ट, इसलिए ऑनेस्ट के सामने हमेशा एन आता है। एक और एग्जांपल, एन एलिफेंट। तो इन शब्द में हमेशा एन का प्रयोग होगा। अब ये द कहां यूज होगा? द जो है वो इस्तेमाल होता है जब आप किसी एक स्पेसिफिक चीज को बताते हैं, जैसे द मून, द सन, द अर्थ। यहां सब में आपका द का इस्तेमाल होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस एक से अधिक शब्द मिलकर जो कंप्लीट सेंस बनाए, जैसे वी विल गो टू द जू या आई एट। इस टाइप के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस में हमेशा स्टार्टिंग का पहला अल्फाबेट बड़ा होता है और हमेशा आखिरी में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है, जैसे He picks up a red can, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया और सेंटेंस का पहला अल्फाबेट जो होगा वो बड़ा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी ही चीज को मैं बोलूं, डू यू लाइक डोसा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या इस्तेमाल? यहाँ पे होगा इस्तेमाल किस चीज का? क्वेश्चन मार्क का। इस बात का खास ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, पापा मम्मी का कहना मानिए।